क्षेत्रीय औद्योगिक और व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित हो रहे लातूर शहर की आवश्यकता को समझते हुए रविंद्र अग्रवाल ने हनुमान चौक पर एक अभिनव संकल्प में अल्पाहारम रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। चिकित्सा शिक्षा एवं राज्य के पूर्व संरक्षण मंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। देश में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर की तरह उन्होंने कहा कि लातूर में एक महानगर की तर्ज पर जलापान के लिए शुरू किया गया है। यह रेस्टोरेंट देश भर में खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देगा और विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ के भोजन के लिए पसंद का स्थान बन जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि लातूर की ऐतिहासिक विरासत गंजल गोजाई की महिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस स्थान पर पार्किंग की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नई अवधारणाओं को लागू किया जाएगा। इस अवसर पर दयानंद शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी रामन लाहोटी, सचिव रमेश बियानी, अम्बाजोगाई के पूर्व महापौर राजकिशोर पापा मोदी, पूर्व महापौर विक्रांत गोजम गुंडे, लातूर कृषि उत्पन्न बाजार मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष ललित भाई शाह, अशोक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सागर अग्रवाल, सूरज गड्डे, अभिजीत ईगे, पवन सोलंकर आदि अग्रवाल का परिवार और आदि लोग मौजूद थे। सुपरिचित है आणि अनेक त्यांचे प्रकल्प लातूर मध्ये आपण अनुभवलेले आणि त्यामध्ये आता एक नाविन्यपूर्ण प्रकल्प अल्पहरम जे दक्षिण भारतातून ही एक नाविन्यपूर्ण कल्पना लातूर शहरामध्ये लातूरकरांच्या सेवेसाठी रुजू झालेली आहे। मला असं वाटतं की ही अतिशय अभिनव कल्पना आहे आणि खाद्यपदार्थामध्ये काही नाविन्यपूर्ण पदार्थ अल्पहरम या व्यवस्थेमध्ये आपल्याकडं उपलब्ध होणार आहेत आणि लातूर शहराची तशी ही गरज आहे। आज उपहार अनेक ठिकाणी मिळतो, अल्प उपहार हा काही ठिकाणी मिळतो, त्यामुळं त्या अल्प उपहार ज्या काही ठिकाणी मिळतो त्यातलं सर्वोत्कृष्ट ठिकाण अल्पहरम ठरेल असा मला विश्वास आहे। आज याचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो आणि इथं दक्षिण भारतामधून विशेषतः तेलंगणा आणि हैदराबाद इथल्या काही स्पेशालिटीज इथं लातूरकरांना उपलब्ध होणार आहेत आणि म्हणून पुण्याचं वैशाली आपण ऐकलं असेल तसंच लातूरचं अल्पहरम हे नावारूपाला येईल असा मला विश्वास आहे। मी अग्रवाल कुटुंबियांना माझ्या वतीनं शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि उत्तरोत्तर या उपक्रमाची प्रगती हो आणि लातूरकर भरभरून या उपक्रमाला प्रतिसाद देतील असा मला विश्वास आहे। धन्यवाद सर। आमचे निकिता अवरंबे के साथ संतोष सोनवणे की रिपोर्ट।